すごい。やばいが。うんうん。なかなか。うんうんうん。और थोड़ा और थोड़ा और एक बार और थोड़ा हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज देख सकते हैं कि गाड़ी थोड़ी सी गंदी थी और गांव में जो है किसी तरह का सर्विस सेंटर नहीं है, मतलब धुलाई सेंटर नहीं है, तो नदी में ही कार को धोने के लिए आ गए हैं। और चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। बोनट वगैरह में कितनी धूल पड़ी है, हालांकि ये स्लिक सिल्वर कलर है तो आप लोग को पता नहीं चल पा रहा होगा इसकी गंदगी, और धूप की वजह से ये साइन मार रही है, लेकिन काफ़ी गंदी है, साइड में भी आप देख सकते हैं। तो आज इसको जो है मरम्मत करने के लिए आए हैं, बाल्टी लेके आए हैं ये देखिए, और पल्सर भी है, पल्सर को बाद में धोएंगे, पहले इसको धो लेते हैं। आप लोग कभी इस तरह से अपनी कार को नदी में ले जाके धोए हैं? पहले आगे वाला पोर्शन धो लेंगे और धोने के बाद फिर से बैक जाएंगे और रिवर्स करते हुए आएंगे और फिर पीछे वाला पोर्शन धो लेंगे। मस्त गाड़ी आज धुल जाएगी। तो पहले इसका जो है अंदर का मैट निकाल देते हैं, और 3D मैट है, उसमें थोड़ा सा फोम है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट है, तो भींगने के बाद जल्दी सूखता नहीं है, तो उसको निकाल के इधर कहीं रख देते हैं और जो धूल है उसको झाड़ देते हैं। देख सकते हैं कि कितना निर्मल पानी बह के आ रहा है। बोलेरो, स्कॉर्पियो या कोई ऊंची गाड़ी होती ना तो यहाँ तक अंदर चली आती है, और यहाँ पर जो है सीमेंट का ढलाई है, मतलब बालू भी नहीं है, तो गाड़ी फंसने का कोई चांस नहीं है। तो यहाँ पर I-20 को ला नहीं सकते हैं, चूँकि ये थोड़ी सी डाउन है और वहाँ से ये हल्का सा उठा हुआ है जहाँ पर यह बाल्टी अभी रखा हुआ है, तो जैसे ही ये नीचे उतरेगी तो नीचे से सटने का चांस हो जाता है, इसलिए नहीं लेके आए हैं। दूसरी चीज़ है कि यहाँ किसी ने पत्थर जुगाड़ करके रखा है कि टायर यहाँ के पत्थर में चढ़ जाएगा, लेकिन पत्थर से अगर किसी तरह से स्लिप होकर नीचे उतरा तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। अभी बम्पर हाल में ही इसको चेंज किए हैं, तो मैं रिस्क लेना नहीं चाहता, यहीं से इसको धो लेते हैं। और चलिए मैं निकालता हूँ इसका जो मैट वगैरह है, निकालते हैं। ये देखिए सुमित जो है इस पर काम करना शुरू कर दिया है। पहले इसको थोड़ा सा पानी डाल के भिंगा देने से जो मिट्टी होता है वो फूल जाता है, इसके बाद जो है साफ करने में आसानी होता है। लेकिन अभी तक फूला नहीं है, मिट्टी जमा हुआ है, इतना रगड़ रहे लेकिन कुछ नहीं रहा, थोड़ा देर और इसको। हाँ, देख रहे हैं यहाँ गांव के लोग चेकडैम में किस तरह से नहाने का मजा ले रहे हैं, ये देखिए उधर में गहरा है तो दौड़ दौड़ के जाते हैं और उसमें कूद जाते हैं, ठीक है। और देखिए पहले जो कार को है इसका जो फ्रंट है उधर रखे थे, अभी जो इसका फ्रंट है इधर कर दिए, मतलब आगे का पोर्शन जो है इसका पूरा क्लीन कर दिए हैं, अब पीछे वाला पोर्शन धोना बाकी है। मज़ा आ रहा है नहाने में? फाइनली I-20 का धुलाई कंप्लीट हो गया है, उसको बाहर निकाल दिए हैं और ये माइक्रोफाइबर से डैशबोर्ड वगैरह पोछ देते हैं दरवाजे। और ये अब पल्सर की बारी है, हालांकि ये काफ़ी पुरानी है लेकिन धो धा के रखेंगे तो इमरजेंसी में चढ़ने का काम आता है, और गांव में इधर उधर जाना होता है तो यही एकमात्र सहारा है, तो इसको भी देखभाल करना ज़रूरी है। ये देखिए 2006 मॉडल है, ये UG3 मॉडल है पल्सर की। चलिए पहले कार का जो है वो पोछ देते हैं, डैशबोर्ड, दरवाज़ा अंदर से और आगे की विंडशील्ड। पानी की बूंदें जो है अगर आप तुरंत नहीं पोछते हैं तो उसमें दाग रह जाता है और वो छूटे नहीं छूटता है, फिर रात में कार चलाने समय काफ़ी दिक्कत करती है। ये जो पानी की बूंदें हैं इसको पोछना काफ़ी ज़रूरी है,
ये देखिए इस तरह से माइक्रो फाइबर से जब भी आप कार धोते हैं तो जो भी पानी की बूंद बच रही है रेस्ट जितने भी शीशे हैं सभी में इस तरह से आपको पोछ देना है, रहने नहीं देना है। तो पोछते हैं फिर आप लोग से मिलते हैं। फाइनली मैट वगैरह लगा दिए हैं, ये देख सकते हैं। और ये गद्देदार है तो इसको धोना काफ़ी मुश्किल है। इसको जो वैक्यूम क्लीनर आता है ना उससे साफ करने से ठीक रहता है। और पानी में भिंगा दिए तो 10 दिन ये सूखेगा नहीं। इंटीरियर भी पूरा पोछ दिए, पूरा चकाचक। और बाहर से आपको दिखाते हैं धोने के बाद कितनी नई लग रही है। 5.5 साल पुरानी कोई नहीं कहेगा, और पल्सर का कोई नहीं कहेगा कि 15-16 साल पुरानी है। इसको भी पूरा पोछ पाछ दिए धोने के बाद, ये देखिए पूरा नई लग रही है। और डब्बा लेके आए थे तो डब्बा को रख देते हैं कार के अंदर में। और छोटा वाला डब्बा रे इसी में, ओ हाँ देख तो अभी। और आसपास का व्यू थोड़ा सा देखिए, ये सड़क है, यहाँ से कार इधर लाए थे, यहाँ छोटी सी एक ब्रिज है, इसी रास्ते से होकर हमको घर जाना है। और ये छोटी सी नदी, नदी नहीं नाला कह सकते हैं, पर बारिश का दिन है तभी पानी अच्छी खासी बह के आ रही है। और देखिए चारों तरफ कितना ही पेड़ है, कितना खूबसूरत है, कितना हरियाली है। और गाँव के लोग यहाँ अपने गाय बकरियों को चरा रहे हैं सड़क पर बैठ के, आराम से बकरियाँ और गायें जो है चर रही हैं। तो कार धुल गया है तो अब क्या करेंगे, सीधा घर चलेंगे, और तो कुछ काम बचा नहीं है। ये देखिए यहाँ पर स्क्रैच है, और एक बार मैंने आप लोगों को दिखाया था, यहाँ पर देखिए कोई फेविक यहाँ पर गिरा दिया और डर के मारे बालू दे दिया तो बालू सूख गया और ये सैंड पेपर के जैसा हार्ड हो गया। ये छूटे नहीं, छूट रहा है। आज बहुत कोशिश किए इसको छुटाने के लेकिन ये छूटा नहीं। अब ये धीरे धीरे करके काफ़ी दिनों के बाद निकलेगा, या तो फिर इसको रब करना पड़ेगा, सैंड पेपर से ही रब करना पड़ेगा और फिर इसमें पेंट लगाना पड़ेगा। और अगर ज़बरदस्ती करेंगे तो इसका मेन पेंट ही ये लेके निकल आएगा। रगड़ा था ना शैम्पू से, उसको नहीं छूट रहा। ये देखिए पूरा चकाचक। अब कार चलाने में जो है ना मज़ा दे देगी, गंदी रहती है ना कार तो चलाने में भी मज़ा नहीं आता है। तो फाइनली इसको धो दिए हैं, और दुर्गा पूजा में भी इधर उधर जाने के काम में आएगा। गंदी कार को इधर उधर लेके जाना अच्छा भी नहीं लगता है। और चलिए चलते हैं घर, शाम का 4 बज गया है। टिगोर को कल ही धो के और इसको ढक दिया गया है, और इसका भी कवर है लेकिन इसको ढकेंगे नहीं क्योंकि कल जो है मुझे फिर से कार को निकालना है। तो ढकने और फिर निकालने में काफ़ी दिक्कत आता है तो इसको ढकेंगे नहीं, ऐसे ही छोड़ देते हैं। आईफोन 13 तो हम लोग नहीं ले पाए बिग बिलियन डेज में, पर प्रकाश देखिए स्मार्ट वॉच मंगवाया है और ये कनेक्ट करने की कोशिश कर रहा है एंड्रॉयड में, एप्पल में नहीं हो रहा है। हुआ है, है? हुआ हुआ इसमें क्या कर रहे हो? लगता है कि गलत प्रोडक्ट आ गया। दो का खोज रहे हैं तो पूछ रहा है। और देखिए डॉन क्या लेके आए, दोन नहीं देगा? अच्छा मैं भी अभी लाऊंगा, जा रहा हूँ बाबूराम के पास जा रहा हूँ, वहाँ से जब लौट के आऊँगा तो कुछ नहीं खिलाऊंगा। आधा 50 दो। सब तो खा दिया रे, क्या बचा डॉन के पास? देव की दुकान चलेगा, चलो चाय पी के आते हैं। कैंडी क्रश कैंडी क्रश
क्या लिखा हुआ नहीं दिख रहा है, बीट एक्सपी। इसका अच्छा है रिव्यू, ठीक है ना। कितना पड़ गया था ये? 799। सस्ता ही है तो, सेल में आ रहा है। इसी जनरली अगर सेल ना हो तो 1000 का। चलो चाय पीने जाएगा प्रकाश? चाय तो दुकान में रहेगा।